सत्ता में आने के बाद बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और वो रामविलास पासवान को भी वो समझौते करने पड़े, फिर भी उस समय उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। वो सही बात को सही बात पर लड़ते थे, किसी की हकतलफी नहीं हो सकती थी। लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ दिनों के बाद निराशा हुई और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो मैंने उनको छोड़ दिया और तब मैं अकेला पड़ गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं था। फिर मैंने पत्रकारिता में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम किया। उसी बीच हमारी मुलाकात सिराज साहिल साहब से हुई। इनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये तो पहले शख्स ऐसे थे जिनको देखकर और मिलकर मुझे लगा कि ऐसे इतने बहादुर, इतने समझदार, इतने क्वालिफाइड लोग भी हैं यहाँ पर जिनके साथ मिलकर कुछ किया जा सकता। गलत बातों पर उंगली उठाने वाला आदमी अकेला किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा सकते थे, लोगों से अपनी बात कह सकते थे, लड़ सकते थे, ये सब चीज़ें मैंने इससे पहले दिल्ली में किसी पत्रकार में नहीं देखा था। और आगे चल के हम लोग संजोग ऐसा हुआ, एक बार आम आदमी पार्टी में रहे हम, वहाँ भी मैंने देखा अपने तन मन धन से, जिसको तन मन धन का एक जो मुहावरा है वो मैंने अगर किसी में देखा तो सिराज साहिल में देखा कि ये व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के अपने तेल से अपने और अपना अखबार भी निकालते थे। अखबार में आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी बहुत निराशा हुई जैसे दूसरों को हुई। लेकिन सिराज साहिल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मेरी दोस्ती उनसे छूटी नहीं, हम बीच में भी मिलते रहे हमेशा और वही बुलंदी। अगर मैंने कभी कहा कि कोई गरीब आदमी सताया जा रहा है तो ये जा करके अगर NDMC में जाना है तो NDMC के उस अधिकारी के कंचैम्बर में पहुंच जाते थे, अगर नहीं बुलाया तो धक्का देके उसके कमरे में घुसने वाला व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। इसी तरह से मैंने देखा पुलिस में कोई किसी को सता रहा है तो ये थाने में या DCP ACP किसी के यहाँ भी घुस सकते हैं, इतना आत्मबल मैंने किसी में नहीं देखा। और इनको किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी कि इनको कह दे कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में है, अगर वो स्वतंत्र लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं हर तरह से, तो मैं उनके योग्यता पर मुझे कोई शक नहीं है, उनके कमिटमेंट पर मुझे कोई शक नहीं है। अगर सिराज साहिल जैसे लोग हैं, अगर इनका कुर्ता भी कोई फाड़ दे तो ये आपके सामने उस फटे कुर्ते में भी जा सकते हैं। ये जज्बा इनके अंदर है, ये उनके अंदर मनोबल है इनका इतना ऊंचा है और लड़ने की ऐसी भावना है, तो ये एक दिन में नहीं आती ये चीज़ें। पैदाइशी ये व्यक्ति बहुत बड़े लीडरशिप की क्वालिटी के साथ पैदा हुआ व्यक्ति है और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे व्यक्ति का दोस्त हूँ जो किसी भी आधी रात को भी अगर हम फोन कर दें कि कोई गरीब सताया जा रहा है, किसी को पुलिस उठा ले गई है ज़बरदस्ती, तो ये थाने ज़रूर पहुंच जाएंगे, चाहे वो आधी रात हो चाहे 2 बजा हो रात का। ये चीज़ें मैंने एक बार नहीं कई बार करके देख लिया, क्योंकि मैं भी राजनीति में जुड़ा रहा हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया का इंचार्ज रहा हूँ, एक तरह से प्रवक्ता रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं काफ़ी सालों तक रहा। तो उस समय भी बहुत सारा काम मैं सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर पाता था, लेकिन सिराज भाई को कहता था तो ये पहुँच जाते थे और करा देते थे। तो ऐसे लोग जो राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं जनता के स्वार्थ के लिए कुर्बान होने को तैयार होते हैं, उनके लिए तो हर किसी को ताली बजाना चाहिए, वाह वाह करना चाहिए, उसकी पीठ ठोकना चाहिए, उसको हर तरह की मदद देनी चाहिए, उसका मनोबल ऊंचा करना चाहिए। वही मैं भी करना चाहता हूँ कि सिराज साहब अगर कहीं से चुनाव मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको कोई खरीद नहीं सकता है, उस व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता है, उनको कोई डिगा नहीं सकता है, और वो कभी पैसे वालों से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये उनके अंदर सोच है, ये उनका कमिटमेंट है, ये उनकी महानता और सारे गुण है उनके। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति आपको जल्दी मिलेगा नहीं। आज जब 90% से ज़्यादा भ्रष्ट लोगों को दूसरी पार्टियों से टिकट मिल रहा है और वो चुनाव भी जीत रहे हैं और आकर के अपने घर घराने के स्वार्थ में सिमट जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, पब्लिक कोई उनके घर जाता है घंटी बजाता है तो पता लगता है कि बाथरूम में है या सो रहे हैं, लेकिन सिराज भाई को आधी रात को भी अगर आप फ़ोन कर देंगे तो वो व्यक्ति उठ करके तुरंत निकल जाएगा।
कभी नहीं वो आदमी सोचता है कि वो जा रहा थाने में, थानेदार उसको उन्हीं को बंद कर देगा, वो कभी नहीं डरते। ऐसे बहादुर आदमी को मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आए, एक्टिव रहें, चाहे स्वतंत्र आएँ चाहे किसी पार्टी से आए, ये ऐसा व्यक्ति पार्टी को बदल देगा। पार्टी ऐसे व्यक्ति को, अगर पार्टी भ्रष्ट भी हो गई, पार्टी खराब भी है, तो पार्टी इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, बल्कि ये पार्टी को बदल देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं सिराज साहब के लिए पेश करता हूँ। धन्यवाद।